अजमेर शहर में मोटरसाइकिल पे कुछ यंग लड़कों द्वारा पर्स छीनने की वारदातें और फ़ोन छीनने की वारदातें लगातार बढ़ रही थी। उन पर पूरी टीम ने बहुत ही अच्छे तरीके से कार्रवाई करते हुए दो इसमें अपराधियों को गिरफ्तार किया है। राह चलती महिलाओं और युवतियों से पर्स व मोबाइल स्नैचिंग करने वाला गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे। एसपी द्वारा गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की सूचना पर पाई सफलता। अजमेर शहर में लंबे अरसे से राह चलती महिलाओं व युवतियों के मोबाइल और पर्स छीनकर लूटने की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट द्वारा संज्ञान लेते हुए सीओ सुनील सिहाग और एसएचओ श्याम सिंह थाना प्रभारी अलवर गेट के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें एएसआई जयपाल, एएसआई गणपतलाल, अलवर गेट थाने के कांस्टेबल ब्रजलाल, सुखराम, नारायण और बनवारी को शामिल किया गया, जिन्होंने अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमरों से फुटेज और मुखबिर तंत्र की सूचना पर निगरानी रखते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में 34 वारदातें करना कबूल किया है। पुलिस इनके कब्जे से पुष्कर थाना क्षेत्र से चुराई गई मोटरसाइकिल सहित अनेकों फोन, पर्स सहित अन्य सामान भी जब्त कर चुकी है। दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने मीडिया के सामने आरोपियों को पेश कर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बीते एक साल में अजमेर व उसके आसपास के क्षेत्रों में आरोपियों द्वारा मोबाइल और पर्स छीनने की कुल 34 वारदातें अंजाम दी गई, जिनमें अलवरगेट थाना क्षेत्र में 6 वारदातें, आदर्श नगर थाना इलाके में 5, कृष्णगंज थाना इलाके में 10, रामगंज थाना इलाके में 2, गंज थाना इलाके में 2, सिविलाइंस थाना इलाके में 2, सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 और किशनगढ़ में 1 वारदात को अंजाम दिया गया। पकड़े गए आरोपियों में 23 वर्षीय राधेश्याम है, जो कंचन नगर दौराई अजमेर का रहने वाला है, तो वहीं दूसरा आरोपी राकेश पर्वतसर नागौर का है, जिनसे पूछताछ में और भी वारदातें खुलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। देखिए, कुछ समय से अजमेर शहर में मोटरसाइकिल पे कुछ यंग लड़कों द्वारा पर्स छीनने की वारदातें और फ़ोन छीनने की वारदातें लगातार बढ़ रही थी। उन पर अंकुश लगाने के लिए एसपी साहब द्वारा एक टीम सीओ सुनील सिहाग और एसएचओ श्याम जी के अंडर एक टीम गठित की गई, जिसने जो भी शहर में जिस तरह की ये सब वारदातें हुई थी उनकी छानबीन के लिए और कौन इसके पीछे कौन गिरोह है उसकी गिरफ्तारी के लिए पूरी टीम ने बहुत ही अच्छे तरीके से कार्रवाई करते हुए दो इसमें अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे अभी तक हमें 34 लूट की वारदातें खुलने सामने आई हैं। इनसे एक प्रकरण है, उसमें एक फ़ोन और कुछ पैसे छीनने थे, उस प्रकरण में ये मुलजिम थे। बाद में इनसे जब सघन पूछताछ की गई, उसके सामने उन्होंने 34 लूट की वारदातें अलवर गेट थाना क्षेत्र से 6, आदर्श नगर से 5, कृष्णगंज थाना क्षेत्र से 10, रामगंज से 2, गंज थाना क्षेत्र से 2, सिविल लाइन से 2, पुष्कर थाना क्षेत्र से 2, ब्यावर थाना क्षेत्र से 2, कोतवाली थाना क्षेत्र से 2, किशनगढ़ थाना क्षेत्र से 1, कुल मिला के 34 लूट की वारदातें इन्होंने अंजाम दिया है। इसके लिए जनरली ये लोग चोरी की ही मोटरसाइकिल का प्रयोग करते थे। जो मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुई है वो भी पुष्कर थाना क्षेत्र से चोरी हुई सामने आई है। जो मुलजिम इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं, एक का नाम उनमें से राधेश्याम है, जो कि कंचन नगर अजमेर का रहने वाला है। इसके अलावा जो दूसरा है वो राकेश है, जो पर्वतसर नागौर का रहने वाला है। इसमें जो टीम के सदस्य रहे वो श्याम जी के अंडर जयपाल एएसआई, गणपत लाल एएसआई, विशेष भूमिका जो इसमें रही, जिन्होंने मुखबिर खास और बाकी सीसीटीवी फुटेज लगातार शहर के खंगाले और उनसे मुलजिमों तक पहुंचे, उनमें ब्रजलाल कांस्टेबल अलवरगेट थाना, सुखराम कांस्टेबल अलवरगेट थाना इनका रहा। इसके अलावा टीम में नारायण कांस्टेबल, बनवारी कांस्टेबल इनका भी अच्छा योगदान रहा। तो कुल मिला के ये काफ़ी समय से ऐसा गिरोह था जो सक्रिय था और लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा था। एक बहुत ही बढ़िया कार्रवाई है टीम के द्वारा। देखिए, इसके लिए हम इनका आपराधिक रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। अभी तक जैसे हम जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से पहले नहीं पकड़े गए। डेफिनेटली और भी कुछ लोग हो सकते हैं, उसके बारे में अनुसंधान किया जाएगा, जो भी सामने आएगा शेयर करेंगे। देखिए, इस यंग जनरेशन के लड़के हैं, जनरली इनको लगता है कि ये इजी तरीका है पैसा कमाने का, और इसको जो भी किसी से पर्स छीना और उसके बाद उसमें कुछ पैसे होते हैं, कुछ फ़ोन होते हैं, उन फ़ोन को ये फिर से किसी ना किसी
अपराध में इस्तेमाल करते हैं। जनरली इस पैसे को यूज़ करके जो बढ़ता हुआ नशे का कारोबार है उसमें भी ये लोग किसी न किसी रूप से सक्रिय होते हैं और इस पैसे को फिर से उसमें चैनलाइज करते हैं। ये लोग वारदात को अंजाम देने के लिए जनरली ऐसे इलाकों को नज़र रखते हैं जहाँ पर अंधेरा रहता है, या ऐसे ऐसे परिवादी या ऐसे विक्टिम्स को ढूंढते हैं जो कोई महिला है या लड़की है जनरली जा रही है, उसे बैग या पर्स अकेले जा रही है तो उसे छीनना आसान हो जाता है। 34 वारदात में इन दोनों ने अपने बारे में इन्होंने स्वीकार किया है कि ये दोनों एक टीम के तौर पर चोरी की बाइक का इस्तेमाल करके इन वारदातों को अंजाम दिया। 34 वारदातें ये साल भर के अंदर अंतराल में की गई हैं, पिछले एक वर्ष के अंदर इन्होंने वारदातें की हैं। दोनों ही काफ़ी कम उम्र के हैं, 23 साल का, 21 साल का है, और एक टीम के तौर पर इस पूछताछ जारी है, बाकी डिटेल सामने आएंगे।